फिर से बात करते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। 30 रुपए 85 पैसे यानी 31 रुपए का ऑलमोस्ट स्टॉक हो चुका है। बहुत बेहतरीन रैली में स्टॉक दिखाई दिया है। खबरें बहुत अच्छी हैं सामने। क्राइसिल ने रेटिंग्स अपग्रेड कर दी है ट्राइडेंट की, यानी कि आग लगनी तय है स्टॉक में और पैसा डबल होगा ही आपका इस स्टॉक में। बात करेंगे इस वीडियो में कि अगला टारगेट्स क्या होने चाहिए आपके। क्राइसिल की रेटिंग के बाद कब तक यहां पर रैली कंटिन्यू रह सकती है? जिस तरह से रैली हो रही है, रोज 4.5% की जो रैली है वो कब तक चलने वाली है और कहां पर गिरावट आ सकता है? आज का चार्ट पैटर्न जो है वो थोड़ा सा डरावना बना है, उसकी बात करेंगे कि चार्ट पैटर्न क्या कहता है, क्या गिरावट में आने के चांसेस इस हफ्ते आ सकता है, अगले हफ्ते आएगा, कितना प्रॉफिट आपको इस रैली के थ्रू मिलेगा, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, बात करेंगे टारगेट्स की भी और लॉन्ग टर्म खरीदारी की भी। उससे पहले शुरुआत करते हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को और हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें यहाँ पे, सबसे पहले चार्ट दिखाता हूं मैं आपको कि मुझे क्यों लगता है कि गिरावट जल्द ही आने वाली है। रीजन ये है कि आजकल जो आप देखिए कैंडल बनी है वो काफी ज्यादा आउट ऑफ बोलिंजर बैंड है और जब भी इस तरह की कैंडल बनती है तो गिरावट तो होना तय हो जाता है। देखिए मैं कोई हिस्टोरिकली बात नहीं करूंगा, बट यस अगर आप पीछे भी जाके देखना चाहें तो ट्राइडेंट ने कई बार ऐसा किया है और बहुत सारे स्टॉक्स जब भी बोलिंजर बैंड से बाहर बनते हैं, यानी कि सेंटीमेंट, देखिए मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि सेंटीमेंट तो काफी पॉजिटिव है स्टॉक के और रिटेल इन्वेस्टर बाइंग भी कर रहा है, बट मार्केट में वैल्यूएशन जो है या मार्केट में जो सप्लाई है वो ज्यादा हो रही है डिमांड से बहुत, और ऐसे में गिरावट होना तय हो जाता है। फियर कहीं ना कहीं जब आ जाता है तो बोलिंजर बैंड के ऊपर की रैली शुरू हो जाती है। जब फियर ग्रेस्प कर लेता है तो वहां पे बोलिंजर बैंड क्रॉस कर जाता है और उसके बाद गिरावट होती है। थोड़े से हिस्टोरिकली बात करें अगर हम, तो आप देखिए कि कई जगहों पर इसके बाहर बना है, यानी कि अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देखिए बोलिंजर बैंड के बाहर की रैली आई, उसके अगले दिन एक और रैली आई और उसके बाद रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, देन रेड कैंडल से आना स्टार्ट हो गई है। उसके बाद भी अगर आप देखें तो यहाँ पर एक कैंडल रेड ग्रीन बनती है आउट ऑफ बोलिंजर बैंड, दो दिन रेड कैंडल और उसके बाद तेजी और वहां से फिर गिरावट होती है। तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि ट्राइडेंट का जो पैटर्न है, पैटर्न भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी व्हाइल मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, तो बचा भी सकते हैं और बना भी सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये तो रही चार्ट पैटर्न की शॉर्ट में बात। अब क्या आपको बेच देना चाहिए, क्योंकि गिरावट तो होगी है ना, वो तो तय है कि यार ऐसा कैंडल जब भी बनता है तो गिरावट होती है। कैंडलस्टिक पैटर्न है, प्राइस एक्शन जिसे कहा जाता है वो यहाँ पे साफ तौर पर नेगेटिव बना है। आज की रैली बहुत अच्छी है, क्या गिरावट होगी, क्या आपको बेचना चाहिए स्टॉक को या नहीं, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं खबरों पर कि खबरें क्या कहती हैं हमारे सामने। देखिए सबसे पहली खबर है हमारी जो बहुत अच्छी है वो है क्राइसिल ने रेटिंग अपग्रेड कर दिया है और इट्स रेटिंग ऑन द लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटी ऑफ ट्राइडेंट लिमिटेड टू क्राइसिल डबल ए स्टेबल कर दिया है फ्रॉम क्राइसिल डबल ए नेगेटिव पॉजिटिव से। ठीक है, तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं रेटिंग्स का दौर चल रहा है, बहुत सारी कंपनीज के रेटिंग्स आ रहे हैं, आईडीबीआई बैंक का रेटिंग आता है, उसके बाद बहुत सारी कंपनीज के और भी रेटिंग्स आए हैं यहाँ पे और उनमें अच्छी रैली देखने को मिली। अब क्राइसिल ने ट्राइडेंट को रेट किया है, यानी कि साफ तौर पर इसमें भी एक अच्छी रैली की शुरुआत होने की उम्मीद आपको करनी चाहिए और यही बड़ा कारण है कि मैं यहाँ पे खरीदारी करने की आपको सलाह भी दे रहा हूँ लगातार ट्राइडेंट में। पहली खबर आती है चाइना में, क्योंकि वहां का टेक्सटाइल व्यवसाय जो है वो कहीं ना कहीं डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे खबर आती है कि क्राइसिल ने रेटिंग अपग्रेड कर दी है और यही नहीं, अगर आप तीसरी खबर की बात करें तो ये देखिए, ये है तीसरी खबर जो अगस्त का डेटा आया है हमारे सामने। सितंबर का डेटा आने में टाइम है अभी तक, बट ये डेटा आप काफी कुछ रिफाइन कर सकते हैं। देखिए तब स्टॉक था 25 रुपए के आसपास, ये 10 से 15 मिनट का 15 दिन का पहले का डेटा है, आप इसे देख सकते हैं। 26 रुपए का स्टॉक हुआ करता था उस टाइम पे, एक हफ्ते का आप मान सकते हैं। यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड है प्रोड्यूस्ड 4,920 मेट्रिक टन्स ऑफ बेच लिनन इन द होम टेक्सटाइल डिवीजन ड्यूरिंग अगस्त 2021। द कंपनी ऑल्सो प्रोड्यूस 3.1 मीट्रिक टन्स ऑफ बेड लिनन एंड 11,103 मीट्रिक टन्स ऑफ यार्न। ओवरऑल अगर आप देखते हैं कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है, क्राइसिल ने रेटिंग अपग्रेड कर दी है, साथ ही साथ चाइना में कई सारी कंपनीज आप यहां पर पढ़ी फ्रॉम एल्युमिनियम स्मेल्टर टू टेक्सटाइल प्रोड्यूसर आर बीइंग ऑर्डर टू कर्व एक्टिविटी और इन सम इंस्टेंसेस शट ऑल टुगेदर, बंद की जा रही है, यानी चाइना में बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बंद किया गया है। यही कारण है कि इंडिया का जो टेक्सटाइल व्यवसाय है वो बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। 10,000 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने भी अनाउंस कर दिया है कि वो टेक्सटाइल सेक्टर में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं टू इंक्रीज द इंफ्रास्ट्रक्चर और फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर
तो अगर ये इन्वेस्टमेंट जल्दी होती है तो आपको टेक्सटाइल सेक्टर में एक अच्छी रैली की उम्मीद आपको करनी चाहिए। अब बात करते हैं थोड़े से चार्ट पैटर्न की भी। देखिए खबरें बहुत पॉजिटिव है, दोनों ही खबरें आपके स्टॉक को 30 रुपए से 50 रुपए तक लेकर के जाएंगे, ये तय है। बट जो आज का चार्ट पैटर्न है क्या उसको देख करके आपको बिकवाली करनी चाहिए, सवाल ये है हमारा। देखिए बेचना है या नहीं बेचना है ये सोलली आपके ऊपर डिपेंड करता है। रीजन ये है कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं और आप 5% की गिरावट से या 8% की गिरावट से डरने वाले व्यक्ति हैं आफ्टर गेनिंग अराउंड 20% 30%, तो आपको बेच देना चाहिए, ठीक है। बट अगर आप 5% 6% 7% की गिरावट के बाद होल्ड कर सकते हैं और उसके बाद 30% की रैली को दोबारा एंजॉय करना चाहते हैं इस प्राइस से, तो मैं कहूंगा आप होल्ड करो स्टॉक को, क्योंकि इससे बेहतर स्टॉक आपको इस टाइम पे मार्केट में शायद ही अवेलेबल मिले एट दिस प्राइस एंड एट दिस मोमेंटम। मोमेंटम बहुत अच्छा है, सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है इस स्टॉक के। थोड़ा डर के कारण आज स्टॉक बहुत ऊपर बन गया है, थोड़ा सा करेक्ट जरूर होगा यहाँ पे, ये तय है कि करेक्ट होगा। कल हो सकता है, परसों हो सकता है, बट ये होगा करेक्ट। उसके बाद दोबारा से अपनी रैली को कंटिन्यू करेगा, तो खरीदारी कर लो अगर करनी है तो। बेचना है तो बेचने की राय मेरी नहीं रहेगी यहाँ पे, क्योंकि 50 रुपीज आना अभी तय है और 50 रुपीज आना बाकी भी है। तो भैया 50 रुपए का टारगेट है, 50 रुपए के पहले अगर निकलते हो आप तो बहुत बड़ा लॉस होने वाला है आपका यहाँ पे, है ना। तो वो लेकर के निकलो कम से कम, अभी बेचने की सलाह मेरी नहीं रहेगी। जो लोग एड ऑन करना चाहते हैं वॉल्यूम में, कि उनको लगता है कि यार मैंने कम खरीदारी कर रखी है अब छूट ना जाए स्टॉक, तो जैसे ही ये 5% 8% 10% की गिरावट हो आप खरीदारी करो और उसके बाद दोबारा से स्टॉक को होल्ड करके रखो। अब एक सवाल था कि गिरावट क्यों होगी जब इतनी अच्छी खबरें हैं और इतना सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो गिरावट क्यों होगी। देखिए आरएसआई में ना चेंजेस जब भी इस तरह के होते हैं, ये डर का साइन होता है कि मार्केट में अब डर हावी हो रहा है और यहाँ से लोग बेचना स्टार्ट करते हैं, तो वो 5-7% 10% करेक्शन मैंडेटरी होता है। बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, बहुत सारे लोगों का गोल होता है 10% 15% फ्रॉम अ स्टॉक और वो उतना लेकर के निकल जाते हैं, तो वहां पे करेक्शन आना तय होता है। और अगर आप डिलीवरी पर भी बात करेंगे तो डिलीवरी पर भी साफ तौर पर दिखेगा आपको 43% की डिलीवरी 29 सितंबर को उठाई गई थी और उसके बाद 40% की देखिए गिरावट हुई 3% की, और उसके बाद भी अगर आप देखें तो 40% की, तो कहीं ना कहीं गिरावट तो है बाजार में। और अगर आप नेट वॉल्यूम में भी बात करें तो नेट वॉल्यूम में भी कहीं ना कहीं आपको गिरावट दिखाई देती है। 29 मिलियन शेयर्स डिलीवरी के लिए उठाए गए 30 सितंबर को, उसके बाद आप देखिए तो 27 मिलियन शेयर्स उठाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं डिलीवरी परसेंटेज में थोड़ी गिरावट जरूर है, बट वो कंटिन्यू करेगा और डिलीवरी अभी भी बेहतर है, पॉजिटिव है। खरीदारी करनी हो तो जब गिरावट हो तो वहां पे एड ऑन कर सकते हो। सपोर्ट कहां पर है उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए सपोर्ट आपका स्टॉक, देखिए वीकली चार्ट पैटर्न भी थोड़ा सा नेगेटिव ही बना है आपका आज का, अगर वीकली पैटर्न देखो तो सपोर्ट आपका अराउंड यहाँ पर है 27.3 के आसपास, यहाँ तक की गिरावट आपको एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए। 35 का आपका पहला टारगेट होगा, यानी पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा स्टॉक आपका, उसके बाद 50 रुपए का एंड देन 72 रुपीज का टारगेट अपग्रेडेड है और यहां से निकलता हुआ दिखाई देगा। तो डबल होने का टारगेट अभी भी है, ट्रेड में खरीदारी करने की सलाह है। जब गिरावट हो तो खरीदारी कर सकते हैं या फिर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के बाद खरीदारी कर सकते हैं। कल खरीदारी कर लो, थोड़ा बहुत वॉल्यूम बचा के रखो, उसके बाद गिरावट हो तो दोबारा खरीदारी करो। खबरें बहुत पॉजिटिव है, स्टॉक में डर का माहौल बन चुका है, गिरावट होना तय है यहाँ पे, तो थोड़ा सा संभल के चलना है। संभल के क्या, बेचना नहीं है बस, बाकी रखिए अगर गिरावट होती है तो यू नो कि क्यों गिरावट हो रही है, ठीक है। बात कर लेते हैं बाजार की। बाजार बहुत पॉजिटिव रहा है आज के दिन में, जैसा मैंने आपको कल भी इन्फॉर्म किया था, परसों भी इन्फॉर्म किया था कि बाजार में FIIs वापस लौटते हुए दिखाई दिए हैं और FIIs की एंट्री के साथ ही आप देखिए निफ्टी 50 में 1% की रैली, सेंसेक्स में 1% की रैली आसपास आई है, बैंक निफ्टी में 1% से ज्यादा की रैली आई है, तो लगभग बाजार का मूड जो है वो पॉजिटिव हुआ है। बाजार ने 17,690 का क्रॉस कर लिया है, 700 के ऊपर की क्लोजिंग आनी तय थी आज के दिन में बट वो नहीं आ पाई, कोई दिक्कत नहीं, सेटलमेंट के टाइम तक हो जाएगा वो। मार्केट का मूड अच्छा है, खरीदारी करने की सलाह रहेगी मेरी। FIIs देखिए आप, आज का डेटा तो नहीं है बट फ्राइडे को ही शुरुआत कर दी थी इन्होंने खरीदारी की, उससे ही तय था कि इस वीक का मार्केट काफी अच्छा जाने वाला है, तो खरीदारी करने की सलाह। 68 का टारगेट मेरा रहने वाला है, 72 का, 68 to 72 बेच सकते हैं आप अभी के लिए, खरीदारी कर लो, बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए भी ना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो, अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।